इस वीडियो में हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे, जिसे लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद आगम सिंह। सो हम इस वीडियो के अंदर माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट्स को देखने वाले हैं। जो भी पार्ट्स, आईपीस, ऑब्जेक्टिव पीस, कंडेंसर, जो भी हैं, हम उसको प्रैक्टिकली खोलकर देखने वाले हैं। उनका अकेले अकेले उनका जो भी वर्किंग होता है उसको भी देखेंगे। साथ ही हम इस वीडियो के अंदर माइक्रोस्कोप का यूज देखेंगे कि आखिर कैसे हम उससे विजुलाइज कर पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और माइक्रोस्कोप को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये एक मोनोकुलर माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर एक ही आईपीस होता है, एक ही आईपीस जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। ये एक बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर दो आईपीस हैं ऊपर से, जो आपकी दोनों आँखों के लिए सूटेबल होंगे, दोनों को आप एक साथ देख सकते हैं। तो बाइनोकुलर और मोनोकुलर में ये डिफरेंस होता है, पहली चीज़ तो ये। अब यहाँ पर ये जो मॉडल है, ये बहुत पुराना मॉडल है जिसको पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल ये आउटडेटेड एक तरह से है, तो हम इसके बारे में नहीं देखने वाले हैं। होता मैकेनिज्म दोनों में सेम है, लेकिन हम इसको थोड़ा एडवांस है इसकी वजह से इसको देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर ये आईपीस हैं, कितने पावर के लेंसेज होते हैं, क्या कंडेंसर का वर्क होता है। तो सभी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ आईपीस। आईपीस मतलब जो आँख के पास हो, जो आपके आई के पास है, उसको आईपीस बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10x का आईपीस है, मीन्स दैट इसकी जो पावर है वो 10x टाइम है, मतलब ये 10 गुना कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। ओके, इसी तरह से दूसरा वाला भी 10x का है। तो यहाँ पर दो 10x के आईपीस मैंने लगा रखे हैं यहाँ ऊपर की तरफ। ओके, अब आईपीस के बाद आता है ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस वो होता है जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको आप विजुलाइज करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ आप रखेंगे इस मैकेनिकल स्टेज पे विजुलाइज करने के लिए, तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पीस। यहाँ पर फोर टाइप के ऑब्जेक्टिव पीस हमको देखने को मिलते हैं। पहला तो 5x का ऑब्जेक्टिव पीस लेंस होता है, जो जिसकी पावर होती है 5x, मीन्स दैट ये 5 टाइम मैग्नीफाई कर सकता है। उसके बाद 10x की पावर वाला होता है, और उसके बाद 45 होता है या 40 भी होता है कई में, और उसके बाद 100x ऑयल इमल्शन। नाउ दिस इज द मैकेनिकल स्टेज। ये जो पार्ट है जो मूव करता है, इससे इस तरह से मूव करता है ताकि स्लाइड को आप मूव करा सकें, उसे बोलते हैं मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज जिसके ऊपर स्पेसिमेन रखा जाएगा। ओके, नाउ आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कंडेंसर। ये पार्ट होता है कंडेंसर, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको किस तरह से दिखता है। ये पार्ट है कंडेंसर, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये क्या करता है, जो भी लाइट आती है नीचे से, जैसे मैं लाइट ऑन करता हूँ यहाँ पर, तो लाइट यहाँ पर क्या स्कैटर्ड हो रही है, तो ये क्या करता है कंडेंसर, यहाँ पर उसको एक पॉइंट पे कंडेंस करता है, एक पॉइंट पे उसको ला देता है ये इस तरह से। तो ये कंडेंसर का वर्किंग इस तरह से है। देखिए यहाँ पर लाइट कम ज़्यादा हो सकती है, ताकि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कंडेंसर को। तो ये कंडेंसर का वर्किंग है कि वो एक पॉइंट पे लाइट को इमर्ज कराए। ओके, इसके नीचे जो पार्ट है उसको बोलते हैं लाइट सोर्स। यहाँ पर एक बल्ब है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए एक बल्ब है यहाँ पर। तो इस बल्ब से जो लाइट प्रोड्यूस होती है, उसी की वजह से हमको स्पेसिमेन देखने को मिल पाता है। ओके, और ये जो पार्ट है ये क्या करता है, लाइट को और कंडेंस करता है, ताकि वो यहाँ पर कंडेंसर पर जाकर और इजीली कंडेंस हो पाए। ओके, नाउ अब आपको मैं बताने वाला हूँ ये जो पार्ट है, ये जो रेगुलेटर स्विच है, इससे क्या कर सकते हैं, हम लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत कम हो चुकी है, अब और ज़्यादा हो रही है, इस तरह से हम लाइट को कंडेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, नाउ अब इसका थोड़ा सा मैकेनिकल पार्ट्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर बाइनोकुलर में प्रिज्म होता है, प्रिज्म की वजह से ही ये दोनों आईपीस को हम एक पॉइंट पे देख पाते हैं। ये थोड़ा सा और डेप्थ पॉइंट होगा, इसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रिज्म होता है। ओके, नाउ यहाँ पर
ये जो चीजें मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये जो नोब है जिसको मैं घुमा रहा हूँ, तो उससे ये जो कंडेंसर है ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी मदद से आप लाइट को और एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो मेन पार्ट है कि आखिर कैसे माइक्रोस्कोप से हम विजुलाइज करते हैं, तो विजुलाइज करने का दो स्टेप्स हैं। पहली चीज़ तो ये जो मेजर वाला है, आपको स्टेज को रोटेट करना पड़ेगा, मेजर एडजस्ट बोलते हैं इसको, बड़े व्हील को, इससे आपको मेजर एडजस्ट करना होता है। और ये माइनर एडजस्ट, जब आपको बारीकी से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है तो ये माइनर एडजस्ट यहाँ पर काम आता है। ओके, नाउ अब हम इस पर स्लाइड लगाकर देखते हैं कि आखिर स्लाइड को लगा करके कैसे हम इसके अंदर मैग्नीफाइड करके देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है, अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि आपको मैग्नीफिकेशन पावर कैलकुलेट करनी है माइक्रोस्कोप की, तो आप कैसे करेंगे? तो मैग्नीफिकेशन पावर के लिए सबसे पहले आपको करना ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100x का ये ऑब्जेक्टिव पीस है, तो ये मेरे पास 100x का ऑब्जेक्टिव पीस आया, ओके, और ये मेरे पास 10x का आई पीस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे मैग्नीफिकेशन पावर देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 × 100 = 1000 मीन्स दैट इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी हुई, 1000 times मैग्नीफाई कर सकता है। मतलब एक कोई चीज़ है सिंगल, तो उसको 1000 times बड़ा करके आपको दिखा सकता है, मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। इसी तरह से अगर आईपीएस आपके पास 15x वाला है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ 15x का आईपीएस है, और फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 1500 times मैग्नीफाई कर सकता है, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप लेंसेज बढ़ाएंगे, वैसे यहाँ पर अगर ऑक्यूलर माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप की बात की जाए, तो मोस्टली 100x ऑयल इमल्शन के तक ही ऑब्जेक्टिव पीस होता है, और 15x तक ही यहाँ पर जो आई पीस है वो होता है। तो इसकी जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर है वो 1500 ही होती है अप्रॉक्सली। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं कि स्लाइड को कैसे लगाते हैं और कैसे सेट करते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस वाला काम है, जिसको आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं, लेकिन एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक परमानेंट स्लाइड है जिसको मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू विजुलाइज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, ये जो भी परमानेंट स्लाइड है उसको आपको इस मैकेनिकल स्टेज के यहाँ पर रखना होता है। जो भी स्लाइड है या फिर आपके पास टेम्परेरी स्लाइड है, तो यहाँ पर आपको रखना होता है। उसके बाद आपको ये जो मैकेनिकल स्टेज है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि उस जो लाइट पड़ रही है, आप देख सकते हैं फोकस ऑफ लाइट उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके गिरे। ओके, इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब जो ये मैं इसको 5x के अंदर विजुलाइज करने वाला हूँ, ये 5x का लेंस है, तो अब हमको इस मैकेनिकल स्टेज को इस तक लेके आना होगा, यहाँ इसका एक्सटेंड तक ले आए। उसके बाद हमको यहाँ पर आईपीस के यहाँ पर आईपीस से देखना होगा और एडजस्ट करना होगा। किसको एडजस्ट करने के लिए, हमको ये जो माइनर एडजस्ट है इसको यूज़ करना होगा। ये जो माइनर एडजस्ट है इसको हम यूज़ करेंगे। माइनर से होता क्या है, ये धीरे धीरे लिफ्ट होता है, धीरे धीरे ऊपर, इससे तो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है। या माइनर इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, जिससे हमको विजुलाइज अच्छे से होता है। चलिए मैं इसको सेट करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोस्कोप को सेट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं आईपीस से कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा नज़र आ रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह का ये ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है डेफोनिया आईपीस से। ओके, और दूसरे आईपीस में भी देखेंगे तो भी आपको ये सेम ही चीज़ नज़र आएगी। ओके, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमको माइक्रोस्कोप को सेट करने के लिए एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ये इजीली हमको नहीं आ पाता, कई बार हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कई बार हमसे सेट नहीं हो पाता, हमको टीचर्स की हेल्प लेनी होती है। तो ये प्रैक्टिस वाला काम है जो कि प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। ओके, सो यहाँ पर ये दो ही वर्किंग हैं जिनकी वजह से आप माइक्रोस्कोप में सेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाएंगे, जैसे 5x में बड़ी इजीली आपको विजुलाइज होगा, 10x में आपको थोड़ा सा और टफ लगेगा विजुलाइज करना, वैसे इजी है लेकिन थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा और रिफाइनिटी भी बढ़ती जाएगी, मतलब क्लियर होती जाएगी इमेज। 100x पे ले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड चीज़ें नज़र आएगी। तो
तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज और लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सो।